हेलो एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन टुडे। आज हमें देखना है क्लास नाइन्थ में मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 और इसमें हम लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक का सोल्यूशन देख चुके हैं। क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि आप पी बाई क्यू में जो रेस्ट वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो जो रैशनल नंबर हैं उनके कुछ एग्जांपल्स को आप देखिए और ये बताइए कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, तभी ऐसा होता है कि उनका कोई वन के अलावा कॉमन फैक्टर न हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और उनमें नोटिस कीजिए कि कहां कहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं, ओके। और ये बताइए कि क्या गैस कर सकते हैं आप कि कौन सी प्रॉपर्टी क्यू को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो चलिए हम पहले आपको एक बार ये बातें याद दिलाते हैं कि जब हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो या तो टर्मिनेटिंग आता था या तो रिपीटिंग डेसिमल आता था। तो आपको बस ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करो अगर मैं नंबर लेता हूं वन 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 वन, नो डाउट ये सभी एक ही सेम नंबर है और इसमें मैं बारी बारी से डिवाइड कर देता हूं। किससे? वन में आप वन से डिवाइड करेंगे तो वापस वन ही आ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं डिवाइड कर देता हूं टू से, देन थ्री से, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन। और अब हम लोग एक एक बार डिवाइड करते जाएंगे और देखते जाएंगे जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते जाएंगे। तो देखिए जरा एक बार हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, वन बाई टू मतलब टू में डिवाइड करना है वन से, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, वन बाई टू यानी वन में डिवाइड करना है टू से। तो अब आप जरा देखो कि जब मैं वन में डिवाइड करने जाऊंगा तो पहले तो पॉइंट लगा के डेसिमल इंक्रीज करेंगे, टू फाइव सा होगा टेन और ये माइनस होकर रिमाइंडर देगा जीरो, यानी वन बाई टू का जो रिजल्ट है दैट इज 0.5। इसको आप कैसा डेसिमल कहेंगे? मैं तो कहूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब आप डिवाइड करते हैं वन बाई थ्री तो रिजल्ट क्या आता है, वन में डिवाइड करना होता है थ्री से, तो यहां पे लगेगा जीरो पॉइंट लगा के, थ्री थ्री जा नाइन और रिमाइंडर आएगा वन, देन अगेन पॉइंट से जीरो इंक्रीज होगा थ्री थ्री जा नाइन और हर बार रिमाइंडर वन आता जाएगा और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, यानी ये आ गया 0.3 बार, क्योंकि ये थ्री बार बार रिपीट होगा, तो यहां पे क्या आ गया, रिपीटिंग आ गया डेसिमल। वन बाई फोर को जरा आप देखो क्या करना है, वन में डिवाइड करना है फोर से, पॉइंट लगेगा जीरो इंक्रीज होगा, फोर टू जा एट बचेगा रिमाइंडर टू, फोर फाइव जा ट्वेंटी खत्म, यानी यहां से 1 बाई फोर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.25। अब ये कैसा डेसिमल है, दिस इज टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग। अब देखिए 1/5, अब उम्मीद है कि आपको इतनी बातें तो पता होनी ही चाहिए है ना, क्योंकि आप क्लास नाइन्थ में आ चुके हैं तो इतना नॉलेज तो आपको पहले से भी होना चाहिए। 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, क्यों? क्योंकि डिवीजन नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो इंक्रीज करेंगे, फाइव टू से टेन हो जाएगा। 1/6, एक बार हम 1/6 को आपको करके दिखा देते हैं सॉल्व। जब आप ले रहे हैं 1/6 यानी 1 में डिवाइड करने जा रहे हैं 6 से, पॉइंट लगा रहे हैं जीरो इंक्रीज कर रहे हैं, 6 1 जा 6 दिस विल गिव यू 4 एंड पॉइंट लगा है तो जीरो इंक्रीज होगा और यहां से आपको मिलेगा 6 6 36। अब यहां से आपको रिमाइंडर मिलेगा 4, पॉइंट लगा है जीरो इंक्रीज होगा, 6 6 36 फिर पॉइंट लगा है जीरो इंक्रीज होगा। ये प्रोसेस कभी रुकने वाला है नहीं, 36 आता रहेगा, 6 4 रिमाइंडर बचता रहेगा, जीरो इंक्रीज करते रहेंगे और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा,
ये मिलेगा 0.16666 many times of 6. तो यू कैन राइट 0.16666 एंड मेनी टाइम ऑफ 6. अब देखिए 1/7 इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो रिजल्ट क्या आया था 0.142857 के बाद, यानी ये एक रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल था। तो मुद्दे की बात ये है कि कब आपको रिपीटिंग मिल रहा है और कब आपको टर्मिनेटिंग मिल रहा है, इसको आपको नोटिस करना है। तो देखिए कहां कहां हमें टर्मिनेटिंग मिला, 1, 2, 3, और इन 3 के 3 में अगर हम देखें इसको p by q के फॉर्म में चेंज करके, तो p के प्लेस पे एवरी टाइम क्या है 1 है, लेकिन फर्स्ट केस में क्या है डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड केस जो टर्मिनेटिंग का आ रहा है वहां पे 2 into 2 है, थर्ड केस जो टर्मिनेटिंग का आ रहा है वहां पे 1/5 है। और इसके साथ ही अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 10 होता है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि व्हेन q इज ईदर 2 और 5 और इन द फॉर्म ऑफ 10, देन दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन।